अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हो आप सब आज हम करेंगे एम सी क्यूज चैप्टर एलेवन के जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलें स्टार्ट करते हैं नंबर वन द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड कार्बन एटम की वो जो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो चेन बनाता है वो क्या कहलाती है चार ऑप्शन है आपके पास आइसोमेरिज्म है कैटिनेशन है रेजोनेंस है या फिर कंडेंसेशन है सो so बच्चों ये जो एबिलिटी होती है ये कैटिनेशन होती है सो so हम चूज करेंगे ऑप्शन बी को नंबर टू कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड कोल जिसमें 90 परसेंट जिस कार्बन हो वो क्या कहलाता है पीट लिगनाइट एंथरसाइट या फेबिट माइनस uh, तो यहाँ पर हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी एंथरसाइड सो हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को नंबर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज नेचुरल गैस जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है ना बच्चों उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है है चार ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए बच्चों हम सबको पता है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मिथिन होता है सो हम ऑप्शन ए को चूज करते हैं नंबर फोर द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन हीटोर्स इन द एबसेंस ऑफ एयर इज कार्ड चार ऑप्शन है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है सबलिमेशन है रोस्टिंग है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सो हम चूज करते हैं ऑप्शन डी को नंबर फाइव पीच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ किसका रेजिड्यू होता है चार ऑप्शन है आपके पास कोक का कोल तार का कोल गैस का या फिर कोल का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सो हम चूज करते हैं ऑप्शन बी को नंबर सिक्स नेचुरल गैस इज़ एटी फाइव परसेंट मिथेन ठीक है ये हमने पहले भी पढ़ा कि मेन जो कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का वो क्या होता है मिथेन अब आपको पता चल गया कि एटी फाइव परसेंट होता है मिथेन इट इज़ यूज टू मेक द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सिवाय एक चीज़ के चार ऑप्शन है आपके पास कार्बन ब्लैक को कोल तार या फिर कोल गैस सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को यहाँ आपका राइट आंसर होना चाहिए कार्बन ब्लैक सो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन ए को नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च स्टार्च नहीं होती हैं चार ऑप्शन हैं आपके पास इनमें से चूज कीजिए राइट आंसर को देखिए बच्चों इनमें इन में भी होती है मेज में भी होती है बैरले में भी होती है पोटोटोज में भी होती है नहीं होती तो शुगर कैन में नहीं होती सो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन ए को नंबर एट पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय पेट्रोलियम रिफाइंड किस तरह से की जाती है किसके जरिए की जाती है आपके पास चार ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है सिंपल डिस्टिलेशन है या फिर ड्राई डिस्टिलेशन है राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों चूज कीजिए यह आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है सो हम चूज करते हैं ऑप्शन बी को नंबर नाइन इन लेबोरेटरी यूनिवर्स वाज बाय चार ऑप्शन है आपके पास वोलर रदरफोर ब्राजीलियस या फिर डोल्टन चूज कीजिए राइट ऑप्शन को कि किसने प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में यूरिया को राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वोलर वोलर एक साइंसदान था जिसने लेबोरेटरी में तैयार किया था यूरिया को सो so हम चूज करते हैं ऑप्शन ए को नंबर टेन जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज आपने बताना है अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला इन चार में से कौन सा है सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को यह आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी सो हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को ये फार्मूला है का नंबर इलेवन आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द तो फॉलोइंग कंपाउंड इज अटोन कैटोन क्या होता है बच्चों कैटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दाएं बाएं जो होते हैं ना अल्काइल ग्रुप होते हैं ये देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये इसके दाएं बाएं अल्काइल ग्रुप है अब ये कहाँ पर होगा इस तरह से ये देखेंगे ये, ऑप्शन बी में हमारे पास ये चीज दिखाई दे रही है सो हम चूज करते हैं ऑप्शन बी को नंबर ट्वेल्व द्रुप सी ओ एच इज फाउंड इन चार ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए है कार्ब ऑक्सैलिक एसिड एल्टीहाइड अल्कोहल एस्टर्स तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कार्ब ऑक्सैलिक एसिड सो हम चूज करते हैं ऑप्शन ए को नंबर थर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल के मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ठीक नहीं है ऑप्शन है आपके पास दे आल कंटेन कार्बन ऑप्शन बी है दे आर रिन्यूएबल ऑप्शन सी है दे प्रोड्यूस प्लूटेंट ऑप्शन डी है दे काज एसिड रेन सो आई थिंक इनमें से ऑप्शन बी जो है ये ठीक नहीं है दे आर रिन्यूएबल चूँकि देखें फोसिल फ्यूल जो जैसे कि सुइंग गैस आपके पास है नेचुरल गैस जो कि जमीन से निकल रही है रिन्यूएबल तो नहीं है ना वो एक बार खर्च हो गई तो ख़त्म हो गई सो आई थिंक ऑप्शन बी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर सो ऑप्शन बी को हम चूज करते हैं नंबर फोर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट कॉल हार्डेस्ट कॉल कौन सा होगा आपका सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को यहां आपका राइट right आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी एंथरा एक हार्डेस्ट कोल है सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को नंबर फिफ्टीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ऑक्सीजन इज़ अटैच्ड ऑन द बोथ साइड्स विथ कार्बन एटम कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम के दोनों साइड पर ऑक्सीजन अटैच होता है चार ऑप्शन है आपके पास कीटोन इथर एल्टीहाइड या फ्रीजर सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को यहाँ आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इथर सो हम चूज करते हैं ऑप्शन बी को नंबर सिक्सटीन कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ चार ऑप्शन है आपके पास कॉल इनटू कोल गैस ऑप्शन बी है कॉल इंटू वुड ऑप्शन सी है वुड इंटू कोल एंड ऑप्शन डी है वुड इंटू कोल टार सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को आपका राइट right आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी वु इनटू कोल सो हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को नंबर सेवनटीन कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ चार ऑप्शन है आपके पास से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है यहाँ पे जो आपका राइट right आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी कार्बन मोनोक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन सो so, हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर चार ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए है कॉटन ऑप्शन बी है वूल ऑप्शन सी है नायलोन ऑप्शन डी है सिल्क सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को यह आपका राइट आंसर होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर कौन सा है इसमें से नायलोन है सो हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को नंबर नाइनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फाइबर चार ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए है कोल ऑप्शन बी है नेचुरल गैस ऑप्शन सी है बायोगैस एंड ऑप्शन डी है पेट्रोलियम सोचिए so, और टिक कीजिए राइट आंसर को यह आपका राइट right आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी सो हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को नंबर ट्वेंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन चार ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए पल्सिस ऑप्शन बी ऑप्शन सी बीन्स एंड ऑप्शन डी एग्स में प्रोटीन नहीं होते सोचिए so, और टिक कीजिए राइट आंसर को पटाटो इज राइट आंसर सो हम चूज़ करते हैं ऑप्शन बी पोटाटो में क्या नहीं होते प्रोटीन नहीं होते बच्चों याद रखना पटाटो में प्रोटीन नहीं होते नंबर ट्वेंटी वन कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इंटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कार्ड चार ऑप्शन है आपके पास कार्बोनाइजेशन है किटेशन है हाइड्रोजिनेशन है क्रैकिंग है सोचिए और टीक कीजिए राइट आंसर को यहाँ आपका राइट right आंसर होना चाहिए कार्बोनाइजेशन सो so, हम चूज़ करते हैं ऑप्शन ए को 22. Which one of the following compound is an aldehyde? चार ऑप्शन है आपके पास सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को यहाँ आपका राइट आंसर हो चाहिए ऑप्शन सी सो हम चूज करते हैं ऑप्शन सी को यहाँ पर देखें कॉबोनाइल ग्रुप के दाएं बाएं आपके पास अल्काइल ग्रुप हैं सी एच थ्री हैं तो हम इसको इसलिए चूज़ किया ट्वेंटी थ्री फार्मूला ऑफ एसी ट्वेंटी हाई डेज चार ऑप्शन है आपके पास सोचिए और टिक कीजिए राइट आंसर को मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या है राइट आंसर है ऑप्शन सी सो हम चूज़ करते हैं ऑप्शन सी को सो बच्चों ये था आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह नेगेबा